सिविल अस्पताल ज्वाली में अब नवजात बच्चों के लिए फोटोथेरेपी मशीन लग गई है, जिससे पीलिया से पीड़ित नवजात बच्चों का इलाज अब ज्वाली अस्पताल में ही होगा। इससे पहले पीलिया या अन्य रोगों से पीड़ित नवजात बच्चों को लेकर अभिभावकों को नूरपुर या टांडा जाना पड़ता था। इसके साथ ज्वाली अस्पताल में आयुष्मान कार्ड, हिम केयर व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू हो रही है। मरीजों के उक्त कार्ड भी सिविल अस्पताल में अब चलेंगे। SMO डॉक्टर संजीव ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन बच्चों की OPD 70 से 80 होती है। अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीना की नियुक्ति से अब तक अस्पताल में करीब 30 डिलीवरी हो चुकी हैं। अब डिलीवरी के लिए गर्भवती महिलाओं को इधर उधर भटने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि TB के मरीजों के लिए रिसेप्शन बनाया गया है। यहाँ पर TB के मरीजों को TB से संबंधित हर जानकारी मिलेगी और दवाइयाँ भी उपलब्ध होंगी। मशीन आ गई है जिसमें कि हम जो नवजात शिशु होंगे जिनको कि पीलिया होता है, पैदाइशी है ना, उनको रख सकते हैं। अब उनको पीलिए के लिए टांडा या नूरपुर भटकना नहीं पड़ेगा, उनका इलाज यहीं ज्वाली में हो जाएगा, है ना। दूसरा हमने अभी ये किया है कि हमारा जो PMJAY के अंतर्गत कार्ड थे, हिम केयर था, स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड थे, उनकी हमने शुरुआत कर दी है अब, है ना। एक दो दिन में वो भी फंक्शनल हो जाएंगे, तो उनका भी हमने पासवर्ड ये सब कुछ मंगवा लिया है। तीसरा अभी यहाँ हमारे यहाँ गायनी के डॉक्टर की भी सुविधा है, तो पिछले 3 महीने में हमने करीबन यहाँ पे 30 डिलीवरियाँ करवाई हैं लगभग अनुमानित। तो ये भी मैं यहाँ के लोगों में अवेयरनेस जगाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बच्चों के डॉक्टर के साथ साथ गायनी के डॉक्टर भी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरीज यहाँ हों। अब डिलीवरीज के लिए उनको टांडा या नूरपुर ना जाना पड़े, वो सब डिलीवरीज ज्वाली ही हों हमारे एरिए की। और बाकी एक हमने TB का रिसेप्शन काउंटर बनाया है TB के मरीज़ों के लिए, ताकि TB के लिए ताकि उन मरीज़ों को इधर उधर भटकना ना पड़े, उनको उनके इलाज से संबंधित दवाइयाँ या कुछ भी पूछना है तो एक ही जगह उपलब्ध हो। और हाँ, बस अभी के लिए तो यही है।